हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। यार वीडियो आज सुबह ही निकल कर आई है, तो वीडियो का टाइटल मैं बताऊंगा। मैं खुद शॉक हुआ इस वीडियो को सुनकर। तो मतलब पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर टू टीटीपी इंसल्टिंग परेड विद शूज हैंगिंग इन नेक। मतलब के अच्छा? मतलब पाकिस्तानी आर्मी ने टीटीपी का सरेंडर किया। मुझे तो इस बात का नहीं यकीन आ रहा, लेकिन अब ये वीडियो देखेंगे तभी इस पे आइडिया होगा। तो ओरिजिनल लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसा कैसे हो सकता है? 3-2-1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान के बाद अब पाकिस्तान से भी बड़ी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक तालिबान के एक हमले में कैप्टन बासित समेत कई पाकिस्तानी फौजी शहीद। अच्छा, ये कैप्टन शहीद। यही वो डर था जिसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में दो दिन पहले हालात पे तफ्तीश का इजहार कर रहे थे। आज का अभी थोड़ी देर पहले का वाकया है, मुझे अभी न्यूज एडिटर ने बताया कि हंगू में एक कैप्टन शहीद हुआ है और दहशत गर्दों ने। अच्छा, हंगू में भी हैरत हुई। आज एक बयान सुना है जो उनके तर्जुमान का है कि हम इस्लामाबाद से डिक्टेशन नहीं लेंगे कैटेगोरिकली नाम इस्तेमाल करके। और अब तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान का जो बाउंड्री है मरगला तक जाता है इस्लामाबाद को। उन्होंने बोले है ना ये बात, इस्लामाबाद खाली करो। सीरियस होगा कि उनके पहले से नाराज लोग भी आ गए उस तरफ। लेकिन अगर तालिबान ने अकेले हुकूमत करने की कोशिश की तो नॉर्दर्न अलायंस लाजमन भारत के अच्छे चढ़ेगी कि वो लोग आके यहाँ ज्वाइन कर ले उनको, क्योंकि वो तो पैदाइशी तौर पे मिलिटेंट। हाँ, बर्थ मिलिटेंट गन जो है वो उनके बाजू से लटकी रहती है पूरी सोसाइटी में। जी, बड़ा पाकिस्तान में इस कंसर्न का इजहार किया जा रहा है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर वहाँ पर रिहा हो गए हैं जेलों से, और अब वो पहले वहाँ पर गिरफ्तार थे पाकिस्तान में, वो बदमनी जो है उसको फैलाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर तालिबान की हुकूमत है और उनका ये कमिटमेंट है कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एफसी की चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाके, कोयटा के मसूम रोड पर एफसी की चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाके में 4 एफसी अहलकार शहीद जबकि 17 अहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान के अंदर आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दुश्मन अपना वार कोयटा में करने में कामयाब हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कोयटा में खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ये जो धमाका है इसके हवाले से ये एफसी की चेक पोस्ट पर हुआ, बाद में यही तलात सामने आई और इसके अंदर शहादतें जो हैं उनकी तलात भी इस वक्त आ रही हैं। और ये जो मुल्क दुश्मनियां दुश्मन एजेंसियां बीएल हो गई, बड़े हालात खराब कर रहे हैं जी, सबका गठजोड़ और इलेक्शन की जरूरत के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में माफ नहीं करना चाहिए किसी को। अब जो है सारी कहानी खत्म हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई। सही कहा, अभी तो पार्टी शुरू ही है। जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अफगान हदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। ये बात हकीकत है कि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी की फजा कायम हुई तो इस वजह से खाना जंगी शुरू हो सकती है ना, हालात खराब हो सकते हैं। इंटरव्यू हुआ है वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर अली मसूद का अमरीकी टेलीविजन, और पाकिस्तान को एक बार फिर खुली धमकी दी गई है उस इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू का अमरीकी टीवी पर नशर होना और इन हालात के अंदर जिस तरीके से कालदम जमात के बंदे को उन्होंने लिया और उसके बाद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में टीटीपी के हजारों जंगजू अपने कैंप्स में मौजूद हैं जो चाइना मुखालिफ एजेंडा रखते हैं या जो चाइना में भी दहशतगर्द कार्रवाइयां करने की मंसूबाबंदी किए बैठे हैं। अच्छा, यानी चाइना को भी ठोकने का इरादा है। अकलमंदी की है, अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग शुरू कर दी है तुर्की के अंदर। पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज एक दो। अब तो रोज एक दो मारा गया, वही ना और वहाँ और यहाँ तक कि शायद टीटीपी जो है वो भी मिल जाएगी उन लोगों के साथ अगर टीटीपी को आपने हाथ लगाया वहाँ अफगानिस्तान में। सिर्फ भारत का सिर्फ खुशकिस्मती है, टीटीपी को हाथ लगाया तो वो पके छिड़ जाएंगे आज तक, जिस तरह मधुमक्खियां छिड़ती हैं। और मुल्क को अपने साथ इस हद तक रियायत नहीं दी जितनी अफगानिस्तान में इंडिया को। अब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के काबुल शहर के अंदर उनके खिलाफ ये हो रहा है और वो लोग कर रहे हैं, ना अमरीका कर रहा है ना कोई और कर रहा है, इनके अपने लोग जो है जो हार्ड लाइनर है वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना, ये सीन मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद बहुत घबराना नहीं, आपको घबराना नहीं है बस। लोग शहीद होते जाए, घबराना नहीं। और ये डांस मुझे वाकई पसंद है बहुत है। ये तो कोई अरबी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे ज्यादा इस समय पाकिस्तान की फट्टी किससे है तो आपके दिमाग में एक ही जवाब आएगा, भारत या फिर अमेरिका। लेकिन आप गलत। पाकिस्तान की अगर अभी किसी ने अच्छी तरीके से फाड़ रखी है और जिसको देशी भाषा में कहे कि ले रखी है वो है टीटीपी।
तहरीके तालिबान काफी हालात खराब कर रखे हैं। तंजीम है, इस तंजीम को जन्म देने वाला पाकिस्तान है, इसको दूध पिलाने वाला पाकिस्तान है, इसको बड़ा करने वाला पाकिस्तान है। फिर पाकिस्तान से तंजीम के कुछ मतभेद हो गए तो आज ये ही पाकिस्तान को पेल रहा और काफी सालों से लगातार पेलता रहा है। और पाकिस्तान कई बार इनको लेकिन ये फिर ये एक्टिव हो गए क्योंकि उधर अफगानिस्तान में वो आए हैं तालिबान, दूसरे तो ये एक्टिव हो गए। पाकिस्तान की तंजीम है, पाकिस्तान से ही निकली है, पाकिस्तान आर्मी ने ही उसको क्रिएट की थी अमेरिकन सैनिकों को भगाने के लिए अफगानिस्तान से। अब तो आए दिन की खबर हो गई पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी यहाँ तक कि अफसरों तक को भी स्पाइनर टीटीपी वाले उड़ा दे, तो ये रोज की खबर हो गई। लेकिन पाकिस्तान मीडिया के अंदर इस पे खुल के कोई बात नहीं करता है क्योंकि वहाँ का मीडिया एक पैक मीडिया है, कंट्रोल मीडिया है, नहीं कंट्रोल तो नहीं है ऐसा इस विषय पे। और ताजे ये पाकिस्तानी आर्मी वालों को गले में जूते डाल के परेड लगवाई है, सरेंडर करवाया, तो पाकिस्तान आर्मी को आप सरेंडर आर्मी भी बोल सकते हैं क्योंकि 1971 में हम भी इस आर्मी को सरेंडर करवा चुके हैं। वो तो हम भी मानते हैं कतर का हुआ था और ये पाकिस्तानी बात करते हैं हमसे बराबरी की, अबे चलो औकात है तुम्हारी। तो ये पूरी खबर विस्तार से आपको आपका भाई सुनाएगा वो लास्ट में, जब तक ये वीडियो देखिए तब आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। अबे हर बात मीडिया पर नहीं बताई तो मिलो लास्ट में, इधर हुई ये वीडियो खत्म। तो यार इधर हुई वीडियो खत्म, यार इसमें कोई शक नहीं अभी काफी ज्यादा मतलब कि जाहिर सी बात है टीटीपी टारगेट और किसी को नहीं कर रहा है, आम लोगों को नहीं कर रहा, नॉर्मल पीपल्स को नहीं कर रहा, वो सिर्फ टारगेट कर रहा है आई थिंक बलोचिस्तान या क्वेटा वाली साइड में आर्मी की पोस्टों को, जो आर्मी की पोस्टें या रेंजर्स की पोस्टें या पुलिस की पोस्टें हैं उनको उन पे अटैक कर रहा है और उन्हीं को टारगेट कर रहा है, आम जनता को बीच में नहीं ये लोग छेड़े फिलहाल। बिल्कुल सही बात है, कर रहा है अफसर मारे जा रहे हैं नॉर्मल बिल्कुल अफसर शहीद, अभी इन्हें एक दो डेढ़ महीने के अंदर अंदर जब से ये एक्टिव तब हुआ ना टीटीपी जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया तो वो एक्टिव हो गए ना बाबा, तो इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, अगर पाकिस्तान इस पे एक्शन नहीं लेगा तो काफी नुकसान और तब हुआ ना जब उन्होंने काबुल पे कब्जा किया है ना तालिबानों ने, तो ये एक्टिव हो गए जेलों से सारे रहा कर दिए जितने सख्त तरीन मुजरिम थे उनको रहा, वो पाकिस्तान पे जाहिर सी बात है इनकी वजह से पहले मुलव्वस थे वो गिरफ्तार थे उधर डके हुए थे जेलों में, वो निकल गए आजाद हो गए, वो फिर अभी कुछ पता नहीं वो किधर किधर छुपे हुए हैं, किधर निकल गए इधर आ गए कि किधर चले गए, उनका क्या पता फिर वही लड़ाइयां जड़गड़े हमारी चौकियों पे हमले हो रहे हैं सब कुछ छोप के आते हैं अटैक कर देते हैं, तो खुद अपने साथ जैकेट बारूद की बांधी होती है हमारी आर्मी को जो सोल्जर्स हैं उनको मतलब कि ये लोग शहीद कर देते हैं अटैक करते तो हो जाते हैं। मैं तो ये कहता अभी भी मतलब ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये नहीं और इनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं और इनको भी मारा जा रहा है इनको भी लताड़ा जा रहा है, लेकिन सारा मसला ये है कि भाई ये भी फिर एक आध अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी सरकार इनको ऐसा सबक सिखाए कि याद रखें बिल्कुल जितना जल्दी हो सके भगाए, वही ना, ताकि कभी सोच ना सकें कि भाई हमला किया था। ये तो जाहिर सी बात है अब हम लोग इस मतलब पाकिस्तान में ये टेंशन है कि कहीं टीटीपी ज्यादा एक्टिव हो गई तो काम खराब। ऐसी मिसालें आपको सब मिलती हैं इंडिया के आपके सामने मिसालें, उन्हें कोई भी आतंकवाद कोई भी नजर ऐसा दहशतगर्द आता है तो फौरन गोली छोड़ाओ, पहले तो उसे बोलते हैं सिलेंडर कर दो तो मैं माफ कर देंगे सजा पूरी कर। हमारा ज्यादा क्वेटा बलोचिस्तान वाली साइड से होता है, आप लोगों का होता है कश्मीर वाली साइड, सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात नो बकवास। तो ये सारी चीज होती है, हमारा बलोचिस्तान वाली साइड से ये काम होता है और आपका कश्मीर वाली साइड से काम होता है। मैं तो बोलता हूँ अल्लाह ताला करे कि हालात बहुत बेहतर हो, कश्मीर में भी बेहतर हो, बलोचिस्तान में भी बेहतर हो और आने वाला टाइम खुश हो और खरम बिल्कुल और अच्छा हो। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बाय।